रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। अपने प्रचार अभियान के दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मोरसू गांव में अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा झूठ बोलने का काम किया है और झूठ बोलने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने 2014 में ही घर पर बिठा दिया था क्योंकि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर कांग्रेस पहुंच चुकी थी। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अपने प्रचार अभियान के दौरान बड़सर विधानसभा के मोरसू गांव में अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा झूठ बोलने का काम ही किया है और झूठ बोलने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कांग्रेस को जनता ने 2014 में भी घर पर बिठाया था क्योंकि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर कांग्रेस पहुंच चुकी थी। जिस पार्टी ने सदा झूठ बोलने का काम किया है, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो देश भर और दुनिया भर में नए कीर्तिमान झूठ के कर रही है, उसको तो जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता। मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस ने देश के लाखों करोड़ खाए हैं। जनता ने 2014 में भी उनको घर पर बिठाया था। 2019 में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पास अगर करोड़ों रुपये मिलते हैं, 281 करोड़ रुपया वहाँ पर मिलता है, हज़ारों करोड़ रुपये के घोटाले का पता चलता है। कमलनाथ जी के बेटे 650 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा करते हैं, कमलनाथ जी 200 करोड़ की करते हैं, जहाँ हज़ार हज़ार करोड़ रुपया एक मुख्यमंत्री के पास नज़र आता हो, वो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर बात करे, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। जिस पार्टी के नेता बेल पर हों, जमानत पर हों, वो भी भ्रष्टाचार के मुकदमों पर, देश का करोड़ों रुपये टैक्स उन्होंने पे करना हो, जनता को जवाब उनको देना पड़ेगा। सांसद खेल महाकुंभ पर कांग्रेस के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राज में नशे का व्यापार चरम सीमा पर था और खेलों के माध्यम से नशों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के बाद ही सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस फिजूल का मुद्दा बना रही है क्योंकि अभी टूर्नामेंट का समापन नहीं हुआ है और कांग्रेस हमेशा से खेलों का विरोध करती रही है। कांग्रेस सदा झूठ के जो आरोप लगाती है उस पर खुद ही फंस जाती है। कभी कोई टूर्नामेंट पूरा होने से पहले सर्टिफिकेट नहीं बटते हैं, और सर्टिफिकेट तब बटते हैं जब टूर्नामेंट पूरा हो जाता है। टूर्नामेंट के कुछ आयोजन जो है वो अभी पेंडिंग थे, वो आजकल चल रहे हैं, और जो लोग इसको करवा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते जब पूरा होगा एक बड़ा आयोजन उस पर करेंगे, और जब बड़ा आयोजन होगा कांग्रेस उसका भी विरोध करेगी। तो कांग्रेस तो खेल का विरोध करती रही, खिलाड़ियों को करते रहेंगे, उनको करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देने के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई के सचिव व अध्यक्ष बनना छोटी बात नहीं है और कांग्रेस ने अपने सरकार के समय में जितने भी केस किए थे सभी जीते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी हार का मुंह देखना है। ना नियत है, ना नीति है, ना उपलब्धियां हैं। मैं अपनी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य से देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष सचिव बनना कोई छोटी बात नहीं थी, और जितने मेरे खिलाफ मुकदमे कांग्रेस ने किए सबके सब मैं जीता हूँ। कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है, इसलिए कांग्रेस जरा इतिहास को उठाकर देखे। इन्होंने स्टेडियम पर ताले लगवाए तब भी कोर्ट ने इनको लताड़ लगाकर खुलवाई। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए, मैं सारे मुकदमे जीता। कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ी, इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। इस अवसर पर नुक्कड़ सभा पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, सीताराम भारद्वाज भी मौजूद रहे।